गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल साड़ी के लिए। कल मैंने शेयर किए थे 6 ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल। कुर्ती के लिए छोटे बालों में ओपन रखना है तो आप किस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हो, और होली के लिए परफेक्ट है। तो जल्दी जल्दी जाओ और चेकआउट करो मेरा कल का वीडियो, एंड उसमें बहुत सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल बताए हैं और बहुत ही आसान है, जिनको हेयर स्टाइल नहीं आता वो भी कर सकते हैं। तो जल्दी से जाओ चेकआउट करो एंड वीडियो को देखो, और वो सारे हेयर स्टाइल आप होली में ट्राई कर सकते हो आपके फेस पे जो सूट करेगा, फेस प्रेमी के अकॉर्डिंग भी बताया हुआ है। और देखो मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। तो कैसे कर रहा है इसका टिप्स एंड सीक्रेट मैंने अपने सेकंड चैनल पे शेयर किया हुआ है। तो जाइए मेरे सेकंड चैनल पे, प्रीति तिवारी 2 सेकंड चैनल का नेम है। क्या यूज करना है, कैसे करना है, और बड़े से बड़ा पिंपल्स है जो आप जगह जगह दिखा के थक चुके हो तो वो रिमूव नहीं हो रहा है। तो इस टिप्स के थ्रू आप अपने बहुत बड़े एक्ने पिंपल्स को भी रिमूव कर सकते हो। तो गो टू माय सेकंड यूट्यूब चैनल प्रीति तिवारी 2। एंड आज का जो टॉपिक है साड़ी के लिए ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल्स, साड़ी के लिए हेयर स्टाइल होली में जो आप बना सको और स्टाइलिश दिख सको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, एंड इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हेयर स्टाइल होगा, अगर आपके बाल मेरी तरह शॉर्ट हैं एंड आप ओपन रखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने बालों को ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेनी है। देखिए मैंने रंग बिरंगे इयर रिंग्स भी डाले हुए हैं क्योंकि होली के लिए बता रही हूँ, तो इसीलिए। तो इस तरीके से मैंने अपने बालों को लिया है एंड आपको बनाना है पूरे बालों पे एक बड़ा सा पफ। ओके, इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट करना, आगे की तरफ पुल करना है, दैट्स इट। और आपको बड़ी बड़ी लेयर्स निकालनी है अपने फेस पे। वैसे मेरे तो लेयर्स छोटी छोटी हैं, बट आप अपने फेस पे बड़ी बड़ी लेयर्स निकालोगे तो ये हेयर स्टाइल आपके लुक को और भी चार चांद लगा देगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है अपने सारे लेयर्स अपने फेस के अकॉर्डिंग, कितना आपके ऊपर सूट करता है उसके अकॉर्डिंग। तो ओके, मैंने इतने सारे निकाल लिए हैं। अब आपको बैग में एक क्लिप की मदद से अपने बालों को सिक्योर कर देना है, और आप भी अपने बालों को बेदर्दी से बेरहमी से रखिए, और इस तरीके से इधर उधर से पिचक जाते हैं तो आपको क्या करना है, अपने बालों को थोड़ा सा ऐसे उठा लेना है, देन बैक कॉम्बिंग दे देनी है थोड़ी सी बालों को, और फिर आप करोगे तो आपके जो हेयर इधर उधर चिपक गए हैं अच्छे से लुक नहीं आ रहा है, तो अच्छे से वॉल्यूम आ जाएगा आपके बालों में। अब आपको सिंपली हल्का सा आगे की तरफ पुल करना है और एक क्लिप लगा देना है। अगर फिर भी जैसे कि अभी भी मेरा थोड़ा सा अनमैनेज लग रहा है तो आपको क्या करना है, बालों को अगेन ऐसे उठा लीजिए, थोड़ा कम हेयर लीजिएगा, और आपको चाहिए एक रबर बैंड इस हेयर स्टाइल के लिए। ओके, और थोड़ा सा लूज रखते हुए आपको रबर बैंड को लगा देना है। इस तरीके से आप पफ बनाओगे तो आपके पतले हल्के बालों में भी बहुत खूबसूरत सा पफ बन जाएगा। रबर बैंड को टाइट नहीं करना है, इसी तरीके से लूज रखना है ताकि जब आप पफ बनाओ तो ये अच्छे से होल्ड हो पाए। यहाँ पे मेरे हेयर बहुत बुरी तरह से दब चुके हैं क्योंकि मैं बहुत बेरहमी से अपने बालों को रखती हूँ। इस तरीके से पुल आउट करना है। देखिए अगर आपका भी ऐसे दब गया है, नहीं हो पा रहा है पफ, तो आपको हल्का सा ट्विस्ट कर देना है अपने रबर बैंड को, और अब आप ऐसे करोगे तो सेम सब जगह से एकदम बराबर में आपका पफ बन जाएगा। अब चाहो तो आप एक क्लचर ऐड कर सकते हो, और चाहो तो आप अगर थोड़े से आपके बाल इस तरीके से हैवी हैं तो आप इस तरीके से क्लचर लगा दो, नहीं तो आप थोड़ा बड़ा क्लचर भी ले सकते हो अगर आपके बाल और ज़्यादा घने हैं तो। और अगर आपको क्लचर नहीं लगाना है तो आप इस तरीके से क्लिप ले सकते हो और इसको आप लगा दो यहाँ पे जस्ट रबर बैंड के आस पास। एक ही क्लिप से हो जाएगा क्योंकि आपने बालों को होल्ड करने के लिए पहले से रबर बैंड लगाया हुआ है, और रबर बैंड को हाइड करने के लिए आप इसके ऊपर जस्ट क्लचर लगा सकते हो जिससे कि आपका रबर बैंड दिखे नहीं और ना लगे आपके बालों का लुक। और इसके बाद अगर आपको खुला रखना है बालों को तो आप ऐसे ही छोड़ दो, और खुला नहीं रखना है तो आप इसके साथ पफ बना सकते हो। और अगर आप नई नवेली दुल्हन हो, दुल्हन वो आपको लोग देखने आ रहे हैं होली में, ऐसे गाँव में होता है ना कि बहुत सारे लोग आते हैं, गांव में क्या सब जगह लोग मिलने तो जाते ही हैं त्योहारों में एक दूसरे से, तो अगर आपके घर में पल्लू करना है
तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने पल्लू को उठाना है और अपने बालों पे यहाँ पे आप अटैच कर दो और इसको एक पिन के साथ लगा दो, तो आपका लुक जो होगा वो बहुत काफ़ी खूबसूरत दिखेगा एंड बहुत इजी तरीके से आप अपने बालों को बहुत अच्छा लुक दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से उठाया है और जो आपने यू पिन्स लगाया है ना, वहाँ पे आप इसको यू पिन्स को जहाँ पे आपने क्लचर लगाया है, यू पिन को अच्छे से अपने पल्लू के अंदर डालना है। थोड़ा सा बॉर्डर अगर हैवी है तो आप इस तरीके से जहाँ पे आपके खाली स्किन है, पिन जहाँ पे बॉर्डर नहीं है, वर्क नहीं है, वहाँ से यू पिन को इस तरीके से डाल दो। देन आपका हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। कोई भी त्यौहार के लिए आप ऐसे बना सकते हो छोटे बालों में हेयर स्टाइल, और अपने पफ को अगेन थोड़ा थोड़ा सा खींच लीजिए जिससे कि अच्छा लुक आए। तो कैसा लग रहा है मेरा ये फर्स्ट हेयर स्टाइल? साड़ी के लिए आप बना सकते हो होली पे। आप चाहो तो पल्लू को इस तरीके से भी रख सकते हो जिससे आपके थोड़े थोड़े हेयर भी दिखेंगे, इयररिंग्स भी दिखेगी और आपके जो बालों का लुक है वो भी काफ़ी स्टाइलिश लगेगा और है ना बहुत ईजी। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया साड़ी के साथ, पल्लू के साथ आप इसको बना सकते हो। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल के साथ। अगर आपको बालों को ओपन नहीं रखना है, आपको बालों को बंद बनाना है, जैसे कि पल्लू रखना है, तो ओपन बालों में काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं और त्यौहारों में हमको बहुत ज़्यादा काम होता है, तो फिर हम नहीं मेंटेन नहीं कर पाते हैं अपने खुले बालों के साथ अपना सारा काम। तो आपको क्या करना है, अपने बालों को सिंपली ओपन कर लीजिए। देखिए मेरा पफ बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा है, मैंने निकाल दिया है अपना पल्लू फिर भी। तो सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको अपने बालों को ओपन नहीं रखना है, तो आपको क्या करना है, मिडिल पार्टीशन रखो तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा, बाकी आप अपने फेस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मिडिल पार्टीशन रख रही हूँ। क्राउन एरिया से हेयर को लेंगे, अच्छे से कॉम करेंगे। जो पहले मैंने बताया था वही टिप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे रबर बैंड को लगा के। रबर बैंड को अगेन थोड़ा सा लूज करते हुए लगाएंगे, ज़्यादा आगे से नहीं लगाएंगे। ओके, अब इस तरीके से हल्का सा लूज करेंगे, ऊपर के हेयर को छोड़ देंगे। ओके, और जो हमने नीचे का हेयर पकड़ा है ना, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरीके से और फिर इसको टाइट करेंगे। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके बालों में पफ बन जाएगा और ये पफ बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, आपके बालों में अच्छा सा वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मेरे क्राउन एरिया पे वॉल्यूम आ चुका है और ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है। पतले हल्के बालों में आप बनाओगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। देन अपने आपका पफ नीचे ना चला जाए उसके लिए आपको क्या करना है, दो बॉबी क्लिप से अपने रबर बैंड को अच्छे से वहीं पर होल्ड कर देना जहाँ पर आपको चाहिए। एक मैंने इधर से लगा दिया, देन सेकेंड आपको दूसरी साइड से लगाना है। ओके, अब आप चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो अपने बालों को अगर ओपन रखना है तो। ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा और इसमें कुछ कर लेते हैं क्योंकि फ्रंट से ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो ये छोटे छोटे हेयर हैं ये आपको डिस्टर्ब करेंगे आपका हेयर स्टाइल बनाने में, तो क्या करना है वो देख लीजिए। इस तरीके से बैक साइड में हेयर को लेके जाएंगे और क्लिप से इसको रबर बैंड के पास ही सेट कर देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे, जो छोटे छोटे हेयर निकल रहे हैं उसके लिए भी बताने वाली हूँ। ओके, अब क्या करना है, जैसे कि ये हमारे हेयर दिख रहे हैं, अगर आपको फेस पे रखना है तो ठीक, फेस पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, सेटिंग स्प्रे लेना है, जैसे कि मैं अपनी सब सारी वीडियोज़ में बताती हूँ। इस तरीके की पतले दांतों वाली कॉम ले लेनी है, आई थिंक सबके घर में होती है ये, इस तरीके से लगाना है और अपने लुक को एलिगेंट बनाओ, बहुत प्यारे मैं बहुत आसानी से। सेकेंड साइड भी सेम, और आप यहाँ पे एक क्लिप और लगा सकते हो जिससे कि आपका जो लुक है वो, जो आपका हेयर स्टाइल है वो परफेक्ट दिखे। तो दूसरी साइड भी लगा लेते हैं।
नहीं तो ये बुरा मान जाएगा कि उस साइड वाले को आपने अच्छे से सेट कर दिया। सॉरी जस्ट किडिंग। ओके तो अभी हमारा लुक अच्छे से हो गया है सेट। ऊपर के हेयर जो हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे मारेंगे इन जितनी हेयर्स को अपने सही जगह पे सेट रखने के लिए। ओके तो आप चाहो तो सेकेंड हेयर स्टाइल में ऐसे भी हेयर को रख सकते हो, बालों को खुला रख सकते हो और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत स्टाइलिश लगता है। अब थर्ड में क्या करना है, अगर आपको अपने बालों को खुला नहीं रखना है तब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से तो आप ऐसे ही छोड़ दो बालों को, नीचे से आप एक बन बना लो, छोटे बालों में भी काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा आपके बालों का। इस तरीके से एक पोनी बना लो, पोनी को टाइटली बना लीजिएगा। अगर आपके बाल भी मेरी तरह छोटे हैं और आपका जो साड़ी पे अच्छा लुक नहीं आ रहा है तो आप एक डोनेट बन ले लो और रबर बैंड के ऊपर जस्ट इस तरीके से लगा दो इसको, रबर बैंड को सॉरी हेयर को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करो, देन एक पतला वाला रबर बैंड लो। तो इस तरीके से मैंने ब्लैक कलर का पतला वाला रबर बैंड ले लिया है और अपने बालों पे लगा लूँगी। ओके और डोनेट बन को अच्छे से हाइड कर देंगे और जो हमारे छोटी छोटी सी हेयर दिख रहे हैं यहाँ से उनको आपस में ट्विस्ट करते जाएंगे। और ये भी है ना काफी इजी एंड क्विक हेयर स्टाइल। अब आपको इनको यू पिन से सेट कर देना है। तीन चार यू पिन अच्छे से लगा लीजिए जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। जहां से भी जैसे हमारा डोनेट बन दिख रहा है तो हेयर को ऐसे पकड़ो और यहीं से आप यू पिन लगा लो, फिर आपका डोनेट बन भी हाइड हो जाएगा और हेयर स्टाइल भी सिक्योर हो जाएगा अच्छे से। अब आप इसको कुछ वो सॉरी डेकोरेटिव पिन से आप इसको डेकोरेट कर सकते हो अपने बन को एंड चाहो तो ऐसे सिंपल सा भी रख सकते हो। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल है जो कि आप इस तरीके से बना के छोड़ सकते हो अपने पार्टी के लिए, अपने जो भी आपका त्यौहार है अगर आपको खुले बाल नहीं रखने हैं तो, और काफ़ी अच्छा और एलिगेंट भी दिखता है, स्टाइलिश भी लगता है। तो एक एक पिन और लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बाल फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है तो वो होल्ड नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से, तो अच्छे से इसको होल्ड करने के लिए एक एक पिन और लगाऊंगी ताकि जो मेरा हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग टाइम तक रहे। और मुझ पर बड़ी बिंदी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये है मेरे बन का फाइनल लुक। आई होप कि आपको तीनों हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो और पसंद आया हो। देन इसके साथ भी अगर आपको पल्लू रखना है तो आप सिंपली यहाँ से रख सकते हो इस तरीके से। पल्लू कभी भी रखते हो तो ऐसे टाइट करके नहीं रखना चाहिए, आपको थोड़ा सा लूज छोड़ना चाहिए जिससे कि आपका लुक भी काफ़ी अच्छा दिखता है और आप काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल रहते हो। तो यहाँ से इस तरीके से आपने पल्लू को लिया, देन एक यू पिन लेना है और इसको लगा दीजिए। अपने पल्लू को आप आगे भी कर सकते हो और ये फिर आज के तीन हेयर स्टाइल होली पे बना सकते हो। आप मैरिड वुमेन हो, साड़ी पहन रहे हो, पल्लू रखना है तो ये तीनों हेयर स्टाइल आप ट्राई कर सकते हो। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।